हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रोटीन बार बना रहे हैं। उसके लिए मैंने एक कप कच्ची मूंगफली ले ली है, आधा कप मैंने काजू और आधा कप ही मैंने बादाम ले लिए, दोनों मिला के एक कप कर दिया है। ये मैंने 1/4 कप दाक्स ले लिए हैं और एक कप मैंने ये जैगरी पाउडर ले लिया है, जिसको हम आम भाषा में मुस्ती शक्कर या खांड कहते हैं, तो ये ले लिया मैंने। अब हम पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब तक इसकी स्किन हल्की ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने ये रोस्ट कर ली है और ये इसकी सारी स्किन निकलनी शुरू हो गई है। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं इसमें काजू और बादाम डाल के इनको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये अब मैंने इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। मूंगफली के मैंने सारे छिलके निकाल लिए थे। ध्यान रखें, मूंगफली को ठंडा होने के बाद छिलके निकालें, अच्छे से निकल जाएंगे। तो अब मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं करना है, इसको हमें रफली चॉप्ड करना है। ये मैंने इनको रफली चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाया। ये देखिए, इनमें ये दाने हैं छोटे छोटे। तो मिक्सर ग्राइंडर को हल्का हल्का चला के इसको ऐसे रफली चॉप कर लें। ये अब मैंने जैगरी पाउडर को एक कढ़ाई में डाल दिया है। इसमें मैंने कोई पानी या घी नहीं डाला है। अब हम इसको कैरेमलाइज करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है मैंने। ध्यान रखें फ्लेम को लो ही रखें, नहीं तो ये सारा जल जाएगा। ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखिए, अब जो हमने ड्राई फ्रूट चॉप करके रखी थी, इसको उसमें मिला देंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है उस मेल्ट की हुई जैगरी पाउडर को। अब इसको हम फटाफट मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। आप ऐसे इसको हाथ से प्रेस करते हुए ऐसे चौकोर शेप में सेट कर लें। प्लेट को मैंने पहले ग्रीस कर लिया था, तो प्लेट को अच्छे से ग्रीस करके फिर इसको ऐसे चौकोर शेप में सेट कर लें, ताकि हम इसके बार अच्छे से काट सकें। मैंने हाथ पे कोई ऑयल या बटर नहीं लगाया है, बस इसको हल्के हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए सेट करके रूम टेम्परेचर पे हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 से 10 मिनट में ही हमारी प्रोटीन बार सेट होके तैयार हो गई है और मैंने इसको बार के शेप में काट लिया है। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी प्रोटीन बार बनके तैयार हुई है हमारी। आप चाहें तो इसको गुड़ में बना सकते हैं। मैंने इसको जैगरी पाउडर में इसलिए बनाया कि वो गुड़ से उसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, और अभी चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसलिए गुड़ की तासीर गर्म होने से वो गर्मी कर सकता है, इसलिए मैंने इसको जैगरी पाउडर में बनाया है। आप चाहें तो इसको गुड़ में बना लें, या मौसम ठंडा हो तो आप इसको गुड़ में बना लें, और आप चाहें तो इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल सकते हैं, घी या बटर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। मैंने इसको बिना घी या बटर के बनाया है। तो बस आप भी ऐसे इजी वे में घर पे ये प्रोटीन बार बनाइए, हेल्दी प्रोटीन बार, और बच्चों को दीजिए। जब भी मीठा खाने की ग्रेवी हो तो आप बच्चों को ये बना के दीजिए, जो बहुत ही हेल्दी होती है। तो आप भी ऐसे बनाएं और घर पे इंजॉय करें। थैंक यू।